हेलो गाइस, मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान विद अनु में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैंने अपने बालों में लगाया था मेहंदी। मेहंदी के साथ मैंने मिलाया था अंडा। दोस्तों मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन फिर भी अपने बालों पे अंडे का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि अंडे जो होते हैं वो हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अंडे का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, उसे अगर आप मेहंदी के साथ मिला के बालों पे लगाते हैं तो आपके बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे बाल कलर भी हो चुकी है, क्योंकि मैंने लगाया था बर्गंडी कलर साथ में अंडा मिला के। अगर आप भी लगाते हैं अंडा अपने बालों पे और मेहंदी लगाते हैं बालों में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी मैं चलती हूँ किचन में, फटाफट देखती हूँ कौन सा सब्जी है बनाने के लिए, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों फटाफट चलते हैं किचन में। दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी और आलू की सब्जी। पत्ता गोभी को मैंने आधा कट करके रखा हुआ है। बगल में मैंने मसाला पीसने के लिए हरी मिर्च, प्याज, लहसुन और अदरक लिया हुआ है। अभी सबसे पहले हम प्रेशर कुकर को गैस के ऊपर चढ़ा देते हैं, और मैं यहाँ पर सबसे पहले पत्ता गोभी को बॉयल करूँगी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी और आलू को कट कर लिया है, और एक हरी मिर्च भी साथ में डाला हुआ है। इसे हम धीरे धीरे प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। जितना आटा उतना मैंने डाल दिया है, अब उसे मैंने ढक दिया है। ढकने के बाद थोड़ा देर रुकेंगे, उसके बाद फिर बाकी जो बचा हुआ था उसको भी यहाँ पर डाल देते हैं। डालने के बाद मैंने डाल दिया है हल्दी, थोड़ा सा नमक। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं, और हाई फ्लेम में हमें इसे एक सीटी लगा देना है। जैसे ही एक सीटी लग जाती है, हमें बस इसे उतार देना है। अब मैंने लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में हाई फ्लेम में ऑयल गरम कर लिया। अब फ्लेम को कम करके पंचफोरन मैंने डाल दिया। साथ में अगर तेज पत्ता डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और मैंने कुछ प्याज भी कट करके रखा हुआ था, उसे भी यहाँ पर मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिया। जैसे ही प्याज भुन जाता है, मैंने यहाँ पर मसाला पहले ही पेस्ट करके रखा हुआ था, उसे मैंने यहाँ पर डाल दिया है, अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट। अब मैंने नमक स्वाद अनुसार डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दिया, थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। दोस्तों इसे बीच बीच में चलाते रहें, वरना ये मसाला नीचे में लटक जाएगा। टमाटर मैंने कट करके रखा हुआ था, टमाटर डाल के टमाटर को अच्छे से पका लिया। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया, और इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब आ रही थी। दोस्तों अब आप देख सकते हैं मसाले का कलर भी चेंज हो चुका है। बॉयल किया हुआ जो गोभी था और आलू था, उसे भी मैंने मसाले में डाल दिया है, क्योंकि मसाले हमारे भून चुकी है। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। दोस्तों इसे फटाफट मिक्स करें, गैस पर कम से कम 3 से 4 मिनट इसे पकने दें लो फ्लेम में, और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। दोस्तों ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलती हूँ दोस्तों नई वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना, खुश रहें और लोगों में खुशियाँ बांटते रहें। बाय बाय।